आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमानों को खुद अपने कवानीन पे अमल करके साबित करना चाहिए कि ये कवानीन मबनी बर इंसाफ है, अदल है। असल में हम लोग जब अमल नहीं करते ना, हमारी प्रैक्टिस में नहीं होते हमारे अपने कवानीन, तो लोगों को गलतफहमी होती है। लोग समझते हैं कि ये इस्लाम जुल्म करता, हालांकि हम जुल्म कर रहे होते, मुसलमान जुल्म करता है, इस्लाम नहीं जुल्म करता। जैसे मैं मिसाल दूं, विरासत में आज हमारे यहाँ लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता। अब एक शख्स जो नॉन मुस्लिम है, उसको नहीं पता है कि इस्लाम का क्या हुक्म है, वो क्या समझेगा कि इनके यहाँ तो कोई हिस्सा ही नहीं मिलता, लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता। तो ये हमारी कोताही, हमारी अपनी कोताही है। इस अब बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे, और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोर्ड है उसकी शुरुआत जो हुई थी, उसको आप जाके पढ़ेंगे तो पता चलता है कि एक औरत ने केस कर दिया था विरासत के मसले में, उसके बाद ये जो है तंजीम बनी है। तो इसलिए विरासत के मसले में हम ऐसा अमल करके दिखाएं कि लोगों को लगे कि इनके कवानीन कितने अच्छे हैं। तलाक के मसले में हमने इतना जो है बदनाम करके रखा है अपने मजहब को कि तीन तलाक के देकर उसको बीवी को फारिग करके उसको हलाल करके हमने इतना जो है बदनाम कर रखा है, इतना बुरा मैसेज जा रहा है कि लोग खुद कहते हैं कि भाई, बल्कि औरतें, हमारी औरतें जाके कहती हैं कि हमें इससे आजादी चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह। इसमें हमारी कोताही है। तो विरासत के मसले में हम अपनी इस्लाह करें, अपनी कौम की इस्लाह करें, सबकी इस्लाह करें। मतलब इस्लामिक सिस्टम बेस्ट है, बाज मुसलमान अमल में कमजोर होते हैं, उसकी वजह से लोग आज इस्लामिक सिस्टम को खराब समझने की गलती कर रहे हैं, है ना। जैसे विरासत का मसला है, तलाक का मसला है, हलाले का मसला है, ये सारे मसले जो लेके मुसलमानों को बदनाम करते हैं, बल्कि इस्लाम को जो बदनाम करते हैं, इसमें इस्लाम का कोई मसला नहीं है। मुसलमान सही तौर से प्रैक्टिस में नहीं ला रहे। तो आखिरी बात मुझे ये कहना है कि हम कुरान और हदीस पर इस तरह से अमल करके दिखा दे लोगों को कि लोगों को पता चले कि कितना खूबसूरत कानून है इनका। लोग खुद अशस करे, लोग हमारी कॉपी करने की कोशिश करें, लोग हमारी कॉपी करें, सोचे कि भाई इनके कानून कितने अच्छे हैं। जैसे किसी मौके पर लोग कहते हैं ना कि जो रैप करता है उसकी सजा वही होनी चाहिए जो इस्लाम ने रखा है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना, लोगों के मुंह पे आता है देख के कि भाई कितना अच्छा कानून है इस्लाम में। तो अगर हम प्रैक्टिस में रखेंगे, अपने अमल में लाएंगे, तो लोगों को जो है उसका अच्छा अच्छा पैगाम जाएगा, और लोग फिर ये सवाल मुतलबा नहीं करेंगे कि ये कानून हमारी कॉपी। जी।